मोदी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मंत्रिमंडल के रेस में उत्तराखंड से अब दो नाम आ गए। उत्तराखंड से दो नाम मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए रेस में है। प्रधानमंत्री घर पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट पहुंच गए हैं, तो पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी दिल्ली बुलाया गया है। और आपको बता दें कि देहरादून से दिल्ली आ रहे हैं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। ये बड़ी खबर आपको दे दें, अजय भट्ट जो कि नैनीताल से सांसद हैं वो भी दिल्ली में, और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री पद से जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है लेकिन पौड़ी से सांसद हैं वो, और मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई यही बड़ी खबर है। अजय भट्ट भी प्रधानमंत्री मोदी के घर पर पहुंचे हैं। ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी सांसद अजय भट्ट को मिल सकती है और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी। तो ऐसे में उत्तराखंड से फिर अगर दोनों को जिम्मेदारी मिलती है तो फिर ये संख्या तीन हो जाएगी उत्तराखंड में। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हरिद्वार से सांसद हैं, इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं, और तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट एक पौड़ी से सांसद तो एक नैनीताल से सांसद, उनको भी बुलाया गया है। तो ऐसे में क्या बड़ी जिम्मेदारी अजय भट्ट को मिलने जा रही है, ये अटकलें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं अजय भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत को, माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी दिल्ली बुलाया गया है। यही इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अजय भट्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं। वीरेश, आप दर्शकों को बताएं, अजय भट्ट मुख्य प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं क्यों, और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी कब तक आ सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई और क्या क्या जानकारियां आपके पास, बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर हलचल बढ़ गई है। न केवल अजय भट्ट बल्कि तीरथ सिंह रावत, बल्कि अनुराग ठाकुर, शिलेखी, अजय मिश्रा सेनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनेवाल, पशुपति पारस, अनुप्रिया पटेल, ये सभी लोग पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां मौजूद है और राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष भी प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी में जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, एक एक करके प्रधानमंत्री आवास को पहुंच रहे हैं। और ये एक परंपरा है कि शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री आवास पर चाय पीते हैं, प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चाय पीते हैं, राष्ट्रीय महासचिव संगठन के साथ चाय पीते हैं। जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिन्हें समायोजित किया जा रहा है, जिन्हें शामिल किया जा रहा है, वो एक एक करके प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। विदेश क्या फिर ये मानकर चला जाए कि जो जो इस वक्त प्रधानमंत्री के आवास में है या फिर जा रहा है उसका कैबिनेट में शामिल होना तय है? देखिए, यही है, केवल जेपी नड्डा और बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, क्योंकि ये पार्टी के शीर्ष नेता है और इनकी मौजूदगी में इनका स्टेक है कि मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसलिए ये प्रधानमंत्री के साथ उस बैठक में चाय पार्टी में मौजूद हैं। लेकिन बाकी जिनके नाम हम बता रहे हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे वो पशुपति पारस हों, नारायण राणे हों, चाहे अजय मिश्रा हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, सर्वानंद सोनेवाल हों, ये सारे लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इसी मद्देनजर आज इन्हें बुलाया गया। राजू जी, आप नजर बनाए रखें। वीरेश फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, नैनीताल सांसद अजय भट्ट इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर हैं, प्रधानमंत्री आवास पर उनको बुलाया गया है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में इस बात की अटकलें हैं अब, और कयास अब ये लगाए जाने लगे हैं कि हो सकता है कि अजय भट्ट को भी अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाए, उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाए। प्रधानमंत्री आवास पर उनका इस वक्त मौजूद होना, जब आज एक बहुत बड़ा विस्तार होने जा रहा है कैबिनेट में, कई लोगों को जगह मिलने वाली है, आज के दिन में विस्तार होने वाला है, और उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर अजय भट्ट का पहुंचना इस बात की अब अटकलों को और ज्यादा बल दे रहा है कि अजय भट्ट को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनको भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। उनका नाम पहले भी चल रहा था कि उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, और अब सांसद अजय भट्ट का भी इस वक्त नाम सामने आ रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और अब दो नाम इस वक्त उत्तराखंड से मंत्रिमंडल की रेस में आ गए हैं। अजय भट्ट एक तरफ जो कि नैनीताल से सांसद हैं, तो दूसरी तरफ सीएम तीरथ सिंह रावत जो पौड़ी से सांसद हैं। तो आज शाम को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और
दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार और इसमें अजय भट्ट को जिम्मेदारी मिल सकती है। अब उत्तराखंड से अगर दोनों को जिम्मेदारी और मिल जाती है तो कुल मिलाकर तीन हो जाएंगे और उत्तराखंड में चुनाव है। ऐसे में इस बार यह कहा भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन राज्यों पर ज्यादा फोकस रहेगा, उन राज्यों से प्रतिनिधित्व ज्यादा हो सकता है मोदी कैबिनेट में जहां पर चुनाव है। और उत्तराखंड में भी चुनाव है 2022 में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। बहुत से नाम उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से अब आगे बढ़ रहे हैं। पहले जहां उत्तराखंड से सिर्फ एक नाम चल रहा था जिसमें पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का नाम शामिल था, और अब एक और नाम इसमें जुड़ गया है और अब रेस पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और सांसद अजय भट्ट में चल रही है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया पटेल की बात करें, सांसद रवि किशन की बात करें, इन सबको दिल्ली बुलाया गया। ये सब दिल्ली में वरुण गांधी, बहुत से नाम ब्राह्मण फेस जो हैं, एससी एससी वर्ग से जो आते हैं या जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकते हैं। बहुत सारे नाम रेस में हैं। कौन रेस को जीत पाता है, किसको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाता है, ये शाम को तय होगा। एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ विनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विनीश, इसके अलावा अभी और क्या क्या चर्चाएं इस वक्त उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तराखंड से आपने बताया कि अजय भट्ट इस वक्त मौजूद है, लेकिन उत्तर प्रदेश से इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में कौन कौन मौजूद है? देखिए, अजय मिश्रा जो लखीमपुर से सांसद हैं वो मौजूद हैं, अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं। जो नाम और एक्चुअली दिक्कत वहाँ ये है कि जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं बहुत वक्त बचाकर प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं, लेकिन जो नजरों के सामने पड़े उनमें अजय मिश्रा दिखाई पड़े, अनुप्रिया पटेल दिखाई पड़ी। बाकी जो देश के अन्य भागों से नेता हैं, अनुराग ठाकुर हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं और नारायण राणे हैं, अजय भट्ट हैं, तीरथ सिंह रावत हैं, इसके अलावा भूपेंद्र यादव भी हैं और मीना गावित हैं, पशुपति पारस हैं, ये सारे लोग हैं एक एक करके प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। लेकिन एबीपी गंगा नजर बनाए हुए हैं कि यूपी से और कौन कौन से सांसद प्रधानमंत्री आवास पर चाय पार्टी में आमंत्रित हैं। ये जो परंपरा है प्रधानमंत्री आवास पर शपथ ग्रहण से पहले चाय पार्टी होती है जिसमें पार्टी के प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी शामिल होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, और उनकी मौजूदगी में ये चाय पार्टी होती है जिसमें सभी संभावित उम्मीदवारों को बुलाया जाता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल। आप बता रहे कि संभावित उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, लेकिन विदेश अगर संख्या के लिहाज से मैं बात करूं, वो संख्या उत्तर प्रदेश से आने वाले सांसदों की कितनी है जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं, और अभी और किन किन के आने की संभावना है? अभी तो बताया जा रहा है कि सांसद रवि किशन को भी आना है, बहुत सारे लोगों को आना है, तो अभी कौन कौन किस किस का आना बाकी है, कौन कौन आएगा? अभी देखिए जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि रवि किशन को भी पहुंचना है, प्रवीण निषाद को भी पहुंचना है, जो संजय निषाद के बेटे हैं, कबीरनगर से सांसद हैं, उनको भी पहुंचना है। साथ ही साथ एक दो नाम और हैं, रीता बहुगुणा जोशी को भी पहुंचना है, लेकिन ये अभी संभावित नाम है और अभी इनके जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इनके यहाँ फोन गया है, लेकिन फिर भी अगर इनसे बात करें तो वो बच बचा के बात करते हैं और वो इस पूरे मामले को गोल मोल तरीके से जवाब देते हैं कि कहीं कुछ अप्रिय न हो जाए, कहीं उनका नाम न कट जाए। ये मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ किसी भी चीज को बहुत गोपनीय तरीके से रखा जाता है और इसी वजह से जो संभावित उम्मीदवार हैं अगर उनके पास विनीश, क्या ऐसा लगता है कि विनीश, बहुत जल्दी से मैं चाहता हूँ इस पर आप रिएक्शन दें, उसके बाद ब्रेक लेना है। विनीश, क्या मानकर चला जाए कि जो अभी मौजूद है प्रधानमंत्री आवास में शायद वही कैबिनेट का हिस्सा बने, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि एक एक आए फिर इंतजार करें फिर उनसे मुलाकात हो, चाय पर चर्चा हो या फिर लंच हो? देखिए, अभी तो आधे घंटे एक घंटे ये पार्टी चलेगी, अमित शाह का भी इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास वो पहुंचे, उसके बाद अगर ये चाय पार्टी है उस अपने मूल रूप में आएगी। हम कहें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, प्रधानमंत्री की मौजूदगी आवश्यक है इस पूरे मामले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में। तो जब ये कोरम पूरा हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि चाय पार्टी असल रूप से शुरू हो गई, और इस दरमियान जो जो लोग आमंत्रित कर लिए गए हैं, बुला लिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, निश्चित रूप से आज शाम वो राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण जरूर करेंगे, क्योंकि ये पुख्ता खबर लग जाएगी कि कौन कौन बुलाए गए हैं। ठीक है विनीश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बड़ी खबर है, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं, कई पहुंच चुके हैं, कई का इंतजार किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री आवास पर
पार्टी। बहुत बड़ी खबर है, नजर एबीपी गंगा की लगातार बनी हुई है।